हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना। चटकारा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो अलग अलग तरीके का सैंडविच, जो हेल्दी, टेस्टी, चटपटा और बहुत जल्दी बनने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। सैंडविच बनाने के लिए हम लिए हैं 6 स्लाइस ब्रेड का और बारीक कटा हाफ बाउल कैप्सिकम, 1 बाउल कैबेज बारीक कटी हुई, और यह है धनिया पत्ती की हरी चटनी, हाफ बाउल चॉप्ड अनियन, हाफ बाउल कटा हुआ टमाटर, आधा चम्मच ब्लैक पेपर क्रस्ट, 2 चम्मच टोमेटो केचप, सॉल्ट टू टेस्ट, यह है बारीक कटी 3 हरी मिर्च और अदरक, और ये 1 चम्मच अजीनोमोटो। इस इंग्रेडिएंट से हम दो अलग अलग तरीके का सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच का स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में कैबेज लेंगे, और फिर टमाटर, और अब अनियन, और फिर अदरक मिर्ची। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। और अब 2 चम्मच टोमेटो केचप, नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच ब्लैक पेपर जो क्रश्ड किया हुआ है, और 1 चम्मच अजीनोमोटो। इन सबको हम अच्छा से मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है और देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है ये। और अब हम दूसरे तरह का सैंडविच बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम 1 बाउल में अनियन लेंगे, जिसे हम पहले से बचा कर रखे थे, और ये लेंगे हम जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 1 चम्मच है ये, और ये थोड़ा सा कैप्सिकम, इसे भी हम पहले से बचा कर रखे थे, और ये टमाटर, इसे भी हम बचा कर रखे थे, और ये नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डस्ट, इसे भी हम अच्छा से मिक्स करेंगे। चम्मच से हर तरफ चलाकर इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, और इसका बहुत बढ़िया टेस्टी, बहुत चटपटा सैंडविच बनता है। और आप लुक्स देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही कलरफुल लगता है ये। और अब हम सैंडविच बनाने के लिए लेंगे 2 स्लाइस ब्रेड का, और एक पर रखेंगे इस तरह से धनिया पत्ती की हरी चटनी। इसका हम एक लेयर तैयार करेंगे इस तरह से हर तरफ लगाते हुए। और इसके ऊपर हम रखेंगे स्टफिंग को, जो अभी हम मिक्स करके बनाए हुए हैं वेजिटेबल से। अच्छा से लगभग 2 चम्मच इसके ऊपर हम अच्छा से रखेंगे। इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी रखेंगे, जो अच्छा से आ जाए इसके बीच में। और अब लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे मोजरेला चीज़। हर तरफ चीज़ को हम इस तरह से ऐसे डालेंगे। चीज़ को डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपके पास अगर है चाहे डालना चाहे तभी डालें, और बिना चीज़ का भी सैंडविच बहुत अच्छा बनता है। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरे ब्रेड को, और इस तरह से हल्का सा दबाते हुए। और अब हम दूसरे फ्लेवर का सैंडविच बनाएंगे, और इसके लिए भी हम लेंगे 2 स्लाइस ब्रेड का, और एक ब्रेड के ऊपर इन सब्जियों को हम इस तरह से ऐसे रखेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच स्टफिंग इसके ऊपर हम इस तरह से फैलाएंगे, और अब हम इसके ऊपर भी एक ब्रेड को कवर करेंगे। पैन
इसमें हम आधा चम्मच देसी घी डाले हैं, इसे मेल्ट होने देंगे और फ्लेम हम रखे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम बनाएंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसके ऊपर हम स्टफिंग वाला ब्रेड को रखेंगे और इसे सिकने देंगे। फ्लेम को हम यहाँ लो टू मीडियम रखे हैं जिससे ब्रेड के साथ साथ अंदर का सब्जी भी अच्छा से पक सके। और अब इसे हम सावधानी से दूसरे साइड पलट लेते हैं इस तरह से। और अब हम डालेंगे दूसरे साइड भी आधा चम्मच घी, इससे ब्रेड बहुत अच्छा पकेगा, बहुत सुंदर कलर आएगा इससे और अंदर का सब्जी भी पकेगा अच्छा से। आप चाहें तो बटर में भी सैंडविच बना सकते हैं या कोई भी वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। हमें घी में बना सैंडविच ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम शुद्ध देसी घी में बना रहे हैं। ये सैंडविच बन चुका है, अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम बनाएंगे सैंडविच मेकर में सैंडविच को। इसमें भी हम आधा चम्मच देसी घी डाले हैं और इसे भी हम मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो चुका है और अब इसके ऊपर हम रखेंगे स्टफ्ड ब्रेड को। और अब इसके ऊपर हम आधा चम्मच मेल्ट किया हुआ घी को डालेंगे इस तरह से, ताकि ये चिपके नहीं। और अब इसे हम कवर करेंगे और सैंडविच को हम मीडियम फ्लेम पर ही बना रहे हैं। और लगभग 30 से 35 सेकेंड के बाद इसे हम दूसरे साइड पलट लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से 30 से 35 सेकेंड तक हम इधर से उधर दोनों साइड पलट कर पकाएंगे इसे। सैंडविच मेकर को हम उलट पुलट कर दोनों साइड से पकाएंगे। लगभग 30 से 35 सेकेंड तक इसे हम एक साइड रखेंगे, नहीं तो अंदर से सैंडविच को जलने का चांस ज़्यादा रहता है। लगभग 2 से 3 मिनट लग जाता है सैंडविच एक बनने में। और ये गर्मा गर्म सैंडविच रेडी है और अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकालेंगे और इसी प्रोसेस से हम और सैंडविच बनाएंगे जो बचा हुआ ब्रेड है उसका। और ये लीजिए हेल्दी टेस्टी चटपटा कैबेज सैंडविच और ये हरी चटनी वाला तीखा चटपटा सैंडविच। तो फिर गर्मा गर्म इस सैंडविच को जल्दी से बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को खिलाएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।